पहले तो भाई साहब बाहुबली जी की तरह महादेव को हाथों से उठा लिया, उसके बाद राम बाबू द्विवेदी मंच पर बोले कि राम नाम सत्य हो गया। हम तो हैरान हो गए, बकायदा ऊपर से लेकर नीचे तक सियर उठे कि बताइए भाई साहब किसका राम नाम सत्य हो गया। वैसे भाई साहब आपको जरा शुरुआत से बताते हैं कि बाराबंकी जनपद के रामनगर क्षेत्र में सादतगंज में बसंत पंचमी के सुनहरे अवसर पर शिवलिंग स्थापना हुई और साथ ही साथ तहरी भोज का आयोजन किया गया था। इस दौरान मंच पर अपने सरकार की तारीफें गिना रहे थे और साथ ही साथ क्या कह रहे थे सुनिए जरा। ग्रामवासी तो भाई साहब राम बाबू द्विवेदी का भाषण सुनने के बाद ताली बजाते थके नहीं। जिनको आवास नहीं उनको आवास मिलेंगे, जिनके घर में पानी नहीं पहुंचा उनके घर में पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या थी गुंडागर्दी की, जो पिछली सरकारों में थी, बड़े बड़े गुंडे माफिया या तो जेल के अंदर हैं या उनका राम नाम सत्य हो गया है। तो ऐसी सरकार को बार बार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो सभी लोग 2022 में फिर से चुनाव है योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सभी लोग कमल वाला बटन दबाएंगे। बाप रे बाप भाई साहब, बाप रे बाप, वाकई में लाजवाब। भाई साहब बीजेपी का कोई नेता हो चाहे ना नेता हो, लेकिन राम बाबू द्विवेदी जैसा नेता जरूर होना चाहिए। जहाँ जाते हैं भाई साहब कमल का प्रचार कराते हैं और बाकायदा ग्राम वासियों ने भी तालियां बजा दी। तालियों की गूंज देखी तो भाई साहब होश से उड़ गए। वैसे कुछ भी कहिए, लग रहा था ऐसा कि 22 का चुनाव कल ही है और आज ही चुनाव जिता देंगे। फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत उत्तर प्रदेश के लिए शिव सिंह की ब्यूरो रिपोर्टर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा।